हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बे कैफ़ी, डिप्टी कमिश्नर जेहलम, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने हुकूमत पंजाब के इनकलाबी इकदाम अब गांव चमकेगा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानब से शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए जेहलम में यूनियन काउंसिल की सतह पर हर गली हर मोहल्ले में सफाई का आगाज कर दिया गया। अब गांव चमकेंगे के नाम से शुरू होने वाली सफाई मुहिम की इफ्तिताही तकरीब यूनियन काउंसिल कोटा फकीर के दफ्तर में मुनक्कद हुई। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मैडम मरियम मलक समेत सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स और मुअज्जिने इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर जेहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने बतौर मेहमान खसूसी तख्तीब नकाब करके इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मकसद ये है कि हमारे जो गांव हैं जहां पे गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, उनको हम प्रायोरिटी के ऊपर इस इनिशिएटिव के तहत साफ़ करें और अपने गांव को भी शहरों की तरह खूबसूरत बनाएं। गवर्नमेंट की तरफ से मशीनरी और जो हम इसमें स्टाफ रखेंगे पर यूसी, उनकी सैलरीज जो हैं वो फराहम की जाएंगी। तकरीब के इख्तिताम पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल कोटला फकीर शकील मसूद कियानी ने इलाका में फौरन सफाई का आगाज करवा दिया। सफाई के आगाज पे डिप्टी कमिश्नर जेहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल कोटला फकीर शकील मसूद कियानी की कावश को सराहा।